तो मैं आज आपको मिलाता हूँ एक ऐसे नेचुरल एथलीट से जो अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं अपनी लाइफ का बेस्ट डे स्पेंड करने, कि जब उन्होंने एक सोचा था कि उनकी बॉडी एक परफेक्ट अप हो जाएगी, मैं फ़ोटोशूट कराऊंगा, तो उनका फ़ोटोशूट ही चल रहा है। वरुण इनका फ़ोटोशूट कर रहे हैं और साथ में उनकी वाइफ है। इट्स अ प्राउड मोमेंट, राइट? बॉडी देख ही सकते हो आप इनकी, यार इनकी ड्रीम बॉडी। हमारे राम भैया और उनकी वाइफ आयुषी, तो आज इन्हीं से बात करते हैं कि भाई कैसे बॉडी अचीव करी है। बाय द वे, द कर्टसी गोज टू टीम अमिंदर, किंग ऑफ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले राम से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि भाई कैसे क्या क्या करा, फिर इनकी वाइफ से बात करेंगे, फिर वरुण से भी बात करेंगे एक फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव के लिए। ओके मैम, तो यार राम भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू सो मच। तो बॉडी तो देख ही रहे हो आप यार, आप लोग बोलेंगे इतने पतले ये वो, भाई नेचुरल में ना ये बेस्ट बॉडी होती है, जो मास लेके घूमते हैं, दैट्स यू नो हाउ इट्स दैट पॉसिबल, राइट? तो तुम खुश हो आज अपनी बॉडी से? बहुत ज़्यादा खुश, ये लाइक अचीवमेंट है मेरे लिए, ऐसा ड्रीम था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मिल पाएगा, बट फाइनली आई एम हियर। कैसा लग रहा है? मतलब जब सोचा था कि ऐसी बॉडी होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ अचीव हो पाएगा, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, पेपर थिन स्किन नेचुरली, तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। पेपर थिन स्किन तो है भाई, बॉडी फैट कितना है? बॉडी फैट आई थिंक 7-8%। 8%, द कोच स्पीक्स फ्रॉम बिहाइंड, 8% बॉडी फैट, 8% बॉडी फैट। तो यार जो यूजुअली इस स्टेज पे आके ना जो इन्हांस बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इट्स अ डिफरेंट गेम, वो बहुत वीक फील करते हैं, करेक्ट, डिप्लीटेड फील करते हैं। तुम कैसा फील कर रहे हो? मेरे को बिल्कुल भी ऐसा कुछ वीक डिप्लीटेड फील नहीं हुआ, बस लास्ट का कुछ एक दो हफ्ते की बात थी जहाँ पे मैं रोज स्प्रिंटिंग कर रहा था, वो टाइम पे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं एक्स्ट्रा आउटपुट दे रहा हूँ आउट ऑफ माई रेगुलर थिंग, बट दैट वॉज जस्ट अ टेम्पररी पीरियड, बट 3-4 दिन के बाद वो अडाप्ट हो गया एंड माई सोरनेस वेंट अवे एंड एवरीथिंग वेंट अवे एंड फेल्ट इवन मोर एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग ऑल द एवरीडे का स्प्रिंट। क्या बात है यार, तो मतलब कब शुरू करी थी तुमने ये टारगेट लेके? कब? आई स्टार्टेड इन December 2021, सो इट्स बीन लाइक 2.5 ईयर्स नाउ, ढाई साल हो गए। ढाई साल में ऐसी बॉडी नेचुरली? हाँ। तो क्या क्या गया है इस बॉडी में ढाई सालों में? खूब सारा डिसिप्लिन, खूब सारा मोटिवेशन और दाल चावल सब। इंजेक्शन बताओ यार, ये लोगों को इंजेक्शन जानना है यार, इंजेक्शन बताओ फटाफट। इंजेक्शन साइकिल बताओ। साइकिल तो सिर्फ यही है कि कंसिस्टेंट रहना है हर चीज़ के लिए और क्लीन फूड खाना है, प्रोटीन सोर्सेज के अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज इनपुट करना है, टाइमिंग अच्छे से रखनी है फूड की एंड स्लीप प्रॉपर रखनी है। आप जो साइकिल सोच रहे हो साइकिल यहाँ ही नहीं, ये तो हीरो साइकिल की बात कर रहे हैं, राइट? तो वही चलाइए तुमने साइकिल? हीरो साइकिल ही है पूरी। क्या बात है यार, तो मतलब अब आज कैसा फील हो रहा है कि जो तुमने ढाई साल करा था, अब इसको मेंटेन कैसे करना है ये बताओ? अभी देखिए, आप जो आउटपुट रोज देते आए हो लाइक यू आर वर्किंग 9-to-5 या वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन योर बिजनेस। तुम करते क्या वैसे, जॉब करते हो है ना? या आई एम वर्किंग इन अ जॉब। अच्छा, कॉम्पिटिशन से दूर दूर तक तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है? वहाँ से कुछ रिलेशन नहीं है। तो तुम नॉर्मल इंसानों की तरह, जैसे जो लोग नॉर्मल होते हैं, बॉडी बिल्डर्स नहीं होते, कंपेटिटर्स नहीं होते, तुम एक नॉर्मल रेगुलर जनरल जिम गोअर हो जिसको बॉडी बनानी थी एक पर्टिकुलर टाइप की, घर पे आ गए माँ के हाथ की रोटी खाना है बस। अच्छा, अब तो शादी हो गई तुम्हारी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अभी माँ के हाथ की खाते हो, वाइफ के हाथ? अभी तो सब बनता है घर पे, तो अच्छे से एकदम दबा के खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, वाइफ की बात हो रही है तो इनकी वाइफ है साथ, आजिए आप भी आजिए ना, अब इनसे बात करते हैं। तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 5 months। 5 महीने? देखो खुश हैं दोनों कितने, है ना, खुश ही रहोगे हमेशा, बिकॉज जो हस्बैंड फिटनेस में होता है तुम धीरे धीरे तुम्हें भी ले ही आएंगे वो। तो लव मैरिज है तुम्हारी? हाँ जी, लव मैरिज है। तो मुंबई में रहते हो, है ना? या। तो बात बताओ, इतना मुश्किल लाइफस्टाइल, मुश्किल मतलब हार्ड, मुंबई तो सोता ही नहीं है ना, मतलब दिल्ली तो इट्स स्टिल लेट बैक, मुंबई तो इट्स ऑलवेज कि आपको सुबह उठना है, जाना है, फिर रात को वापस आना है, उसमें ये फिट भी रह रहे हैं। आप फिटनेस में हो ऐसे जैसे ये हैं? नो, नॉट लाइक हिम, वी आर लाइक हाँ चलो मन किया चल दिए जिम ऐसा वाला, बट हिज लेवल ऑफ डेडिकेशन इज डेफिनेटली नॉट देयर एंड आई वुड से इट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव बिकॉज हिंदी में बात करते हैं। हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, बिकॉज क्या होता है ना, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर के लोगों से कि चलो पार्टी करनी है, मस्ती करनी है, क्लबिंग करनी है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली भी बोल रही है अरे घूमने जाओ, नई नई शादी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो वो सारी चीज़ें होती है।
है तो गए घूमने नहीं गए गए हनीमून पे गए थे, बहुत मजे किए, एक दो ट्रिप बीच में भी मार ली थी 5 महीने में, तो घूमना फिरना सब हो रहा है, मजे हो रहे हैं तो. बट लोग ये नहीं समझते कि इट इज़ पॉसिबल टू डू बोथ द थिंग्स. यू आर यू कैन डू लाइक हाउ यू वेक अप एवरी मॉर्निंग, यू गो टू ऑफिस, सेम वे यू हैव टू जस्ट टेक आउट 35-40 minutes 1 hour ऑफ योर टाइम एंड यू कैन गो टू द जिम. सो मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड यू विल ऑब्वियसली सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. तुम्हें कभी एहसास हुआ है कि जैसे मैं बताऊँ ना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा बट लेट मी जस्ट गिव यू दैट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वो बहुत वीक होते हैं इस स्टेज पे आके जब उनका फोटो शूट होता है, कंपटीशन होता है, क्या ये वीक तुम्हें फील हुए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, एकदम इधर से उधर भागना ये वो, मतलब स्टेप्स हो रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं, यहाँ जाते हैं, चलो आज यहाँ पार्टी करते हैं. पानी वानी बंद हुआ इनका? नहीं, 5 बॉटल रखी है वहाँ पे पानी की. नमक बंद हुआ कुछ? कुछ भी नहीं. अभी यू सी आवर मतलब हम चॉकलेट खा रहे थे सुबह, मैंगोज खा रहे थे, ऑमलेट खाया है, सब कुछ खाया, तो बहुत नॉर्मल रूटीन में रह के भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो अच्छा, इनकी रूटीन की बात करी तुमने तो राम की रूटीन बताओ मुझे खाने की, कि क्या खाते हैं सुबह से लेकर रात तक. इनसे नहीं पूछूंगा क्योंकि प्रेप तो आपकी होती होगी, आपकी और इनकी मदर की मिलकर है, तो क्या प्रेप होती, क्या होता है खाने में? सी मतलब दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो फाइबर आपके नहीं, नहीं मुझे ये नहीं जानना फाइबर, मुझे जानना खा रहे स्पेसिफिक्स, खाते क्या सुबह उठ के? सुबह उठते हैं ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, थोड़ा सा बीट रूट खाते हैं, फिर ही गोज टू द जिम, ही कम्स बैक, ही हैज़ आइदर टोफू खाते हैं, अंडे खाते हैं, देन बाद में अपना नॉर्मल डेट्स बादाम ये सारी चीज़ें, उसके बाद लंच में रोटी सब्जी. रोटी कितनी खाते हैं? आई थिंक अभी तो 2 रोटी खा रहे थे एंड 2 रोटी बल्किंग के टाइम में 3-4, उस पर तो कोई भी ये नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज थी तो दवा दवा के खा रहे थे. पर रोटी सब्जी घर की? सब कुछ घर का, इनफैक्ट बाहर भी जाके हम खाते हैं बट रोटी सब्जी मतलब वेजिटेरियन फूड? या वी आर वेजिटेरियन, ही ईट्स एग्स फॉर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें. बाद में रात में आओ आप अपना दाल चावल खाओ, अंडे खाओ, जो उनको फ्रूट्स पसंद है वो चीज़ खाते थे, मैंगोज खाते थे, स्ट्रॉबेरीज खाते थे, आइसक्रीम खाते थे रात में, तो सब कुछ किया है हमने, फुल मजे. क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं यार, कैमरा पे झूठ बोल रहे हैं यार. मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 10 डेज में 1-1 किलो आम खाया है, मैं आपको गिना के दे सकता हूँ, 1 किलो आम खाया है रोज. क्यों? बस लास्ट 5 डेज में 0.5 किलो कर दिया है बट 1 किलो आम खाया है, वो स्वीटनेस और वो टेस्ट और वो जूसी, और मैं आम बहुत फेवरेट है तो उसमें मैंने कट नहीं किया, 1 किलो आम रोज खाया मैंने. दिख तो कहीं नहीं रहा, आम गया कहाँ यार, वो कहाँ गए वो आम? सीरियसली यार, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट एक्टिव रहो, टाइम निकालो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस प्रोसेस में, आपका माइंड सेट होना चाहिए. पेशेंस सबसे बड़ी बात, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही मतलब ही हैज़ ऑलमोस्ट गिवन 3 इयर्स ऑफ हिज टाइम टू हिम, बट हर एक दिन इन्जॉय किया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि ही डजंट वॉन्ट टू गो हिट द जिम और ही डजंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. 1-1 किलो आम खा रहे हैं रोज, अच्छा इन्जॉय तो कर ही रहे हैं. बहुत बहुत अच्छा. अब वरुण से बात करते हैं जो इनके फोटोग्राफर हैं भाई. तो ये हैं वरुण, हमारे फर्स्ट फिटनेस फोटोग्राफर. कैसा लग रहा है इतने सालों बाद मिलके? ऑलमोस्ट 7 साल हो गए. 7 साल हो गए ना. तो अब वरुण, तुमने देखा होगा कि आजकल जो फोकस हो गया है सारा नेचुरल हो गया, राइट? 7 साल पहले सब कुछ और था. तुम्हारे हिसाब से क्या यही चेंज आया सबसे बड़ा? हाँ यही आया, और लोग अब एजुकेट हो रहे हैं, पहले इतनी एजुकेशन नहीं थी, जब आपने भी स्टार्ट किया था आप भी कर रहे थे एजुकेट, पर तब भी लोग उसको मान नहीं रहे थे, अगर आप कुछ सच भी बोल रहे थे लोग मान नहीं रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा मान कि नेचुरल पॉसिबल है. अब मानने लगे हैं. तो अब तुम देखते हो, अब तुम कितने पोर्टफोलियोस करते हो फिटनेस पोर्टफोलियो महीने में? ईयरली बताऊँ तो 104 हमने लास्ट ईयर किए हैं. अच्छा 100 पोर्टफोलियो करते हो, मतलब 100 बॉडीज को शोकेस करते हो तुम. हाँ. उसमें से नेचुरल और एनहांस कितने होते हैं? अगर 7 साल पहले बोलें तो 99% एनहांस्ड थे, अब थोड़ा रेशियो कम हो गया है, अब थोड़ा कह सकते हैं कि 60-40 पे आने लगा है. 60 नेचुरल है? 60 स्टेरॉइड्स हैं अभी भी. अच्छा. पर 40 जो ये नेचुरल निकल के आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कभी सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. कि तुम्हें भी लगता होगा कि नेचुरल पॉसिबल नहीं है? नेचुरल तब भी हम मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू में बोला था कि नमक पानी छोड़ना पड़ेगा, नेचुरल पॉसिबल नहीं है, मैंने 7 साल पहले बोली हुई. हाँ. पर ये अब चेंज हो चुका है, मैंने भी पढ़ाई की और मैंने लोगों से मिला, एक्सपीरियंस किया, और फिर टीम अमिंदर में आए तो यहाँ पे तो बाढ़ आ रखी है नेचुरल की. तो है पॉसिबल, है बिल्कुल पॉसिबल. तो अब तुमने इतने फोटोशूट्स करे हैं, राइट? मुझे याद है जब फोटोशूट्स होते थे पहले, लड़के गिर जाते थे,
डिहाइड्रेट हो जाते थे, याद है तुम है ऐसे किससे कुछ? बिल्कुल अभी भी हो रहे हैं, अभी भी वो 60% में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गिर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल ही मैं शूट कर रहा था एक, तो वो डायरेक्ट उसने एक बार सांस रोकी, एब्स खींचे और वो सीधा नीचे गया, उसका सर लगा जमीन में, गिर के चक्कर आ गया। हाँ, तो ऐसा अभी भी हो रहा है क्योंकि एनहांस्ड में भी अब्यूज्ड वाले ज़्यादा हैं, तो ये प्रॉब्लम है अभी भी। और इनके साथ नहीं, इनका एनर्जी लेवल से ही पता चल गया नेचुरल है, क्योंकि एनहांस्ड वाले के वाला जब पोज डाउन करता है तो वो आधे घंटे में उसकी एनर्जी ना एकदम डाउन जाती है, इवन शूट से पहले भी वो डाउन ही होती है। तो तुम बोलोगे यार ये बॉडी नेचुरल नहीं हो सकती है ना, अरे मजदूरों वाली बॉडी है ना, अरे ये आप इस तो नेचुरल निकल ही नहीं सकते, भाई ने बहुत सामान लिया होगा, है ना, ये बोलते हैं ना लोग। सब लोग ये बोलेंगे देख के कि है ना, सिंगल डिजिट फैट पे कोई नहीं आ सकता नेचुरली, बट जो पॉसिबल कर देते हैं ये, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं टीम अमिंदर। सो पाजी कॉन्ग्रेचुलेशन, येट अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तो कितनी देखते आ रहा हूँ, बट फीचर हम ऐसे ही करते हैं फ्यू एंड रैंडम, जो सबसे बेस्ट इम्पॉसिबल टाइप लगती है हमें, फिनोमिनल लगती है, सो यू आर वन ऑफ देम। ट्रूली मैंने पूरे उगलवाने की कोशिश कर ली है भाई पाजी, कुछ नहीं, यू कैन टेक हिम टू द साइड आल्सो टू आस्क समथिंग, कुछ मैंने पूछा साइकिल वाइकिल, कह रहे कुछ नहीं, हीरो साइकिल ही चली है मेरी। Hey, what's the secret? मतलब तीन टिप्स आप ऐसे ही दे दो, मुझे पता है you have to hire a coach, पाजी का सिंपल होता है भाई, कोच हायर करो तभी बताऊंगा, लेकिन तीन टिप्स अगर आप किसी को देना चाहो सिंपल भाषा में टू गेट अ फिजिक, ऐसी नहीं मतलब आपको उनकी बैकग्राउंड अलग होगी, पर तीन चीज़ें जो उनको करनी चाहिए। सो द फर्स्ट जो सबसे सबसे ज़्यादा जरूरी है, दैट इज टू गेट इंडिपेंडेंट अबाउट एक्सरसाइजेस। ओके, पहली क्रिएट अ क्रिस्टल क्लियर गोल। क्रिस्टल क्लियर का गोल का मतलब होता है विद नंबर्स, विद डिजिट्स एंड विद द रीजनिंग दैट वो वहाँ पे क्यों पहुँचना है। मतलब एक पिक्चर जिसमें मुझे 6% बॉडी फैट चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज इट, इट इज हिज गोल, बट दैट गोल शुड बी विद द रीजन क्यों। अगर वो हो जाता है, ये दो के बाद तुमको एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज नोन एज समर्पण टूवर्ड्स अ कोच, दैट्स इट। आगे कोच के घूम फिर के, है ना, कोच तो चाहिए ही चाहिए भाई आपको। भाई आपको अगर गाड़ी चलानी आती है ना, तो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने के लिए कोच की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं गूगल मैप। वी आर गूगल मैप। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो इट मींस यू शुड बी परफेक्ट इन डूइंग एक्सरसाइजेस एंड योर गोल शुड बी क्रिस्टल क्लियर, रेस्ट यू डोंट नीड इट। आपको खाली क्या करना है, आपको खाली एक चीज दी गई है उसके ऊपर अमल करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। सिंपल है। और दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, देखो नेचुरल ऐसी क्या, इससे अच्छी बॉडी भी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स। और दूसरा, मैं ये नेचुरल फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हर एक का गोल कॉम्पिटिशन खेलना नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है दैट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग, वो एक अलग वर्टिकल है, लेकिन 99% लोग कॉम्पिटिशन नहीं खेलना चाहते। आपके 19-20 साल 22 साल के लड़के या वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनका गोल होता है अपनी ड्रीम बॉडी, उनको स्टेज पे नहीं चढ़ना। जैसे पीपल लाइक राम, तुम्हें स्टेज पे चढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बॉडी बिल्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल माय फेवरेट्स। मेरा जो सा एम है ना, आई एम अगेंस्ट दोस पीपल जो कि एक नॉर्मल जर्नल फिटनेस को अचीव कराने के लिए एनहेंसर्स या स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं। जर्नल पब्लिक के लिए 10 किलो किसी ने लूज़ करना है, 15 किलो किसी ने लूज़ करना है, किसी ने अपना बॉडी फैट परसेंटेज नीचे लेके जाना है, उसको स्टीरॉयड दे दिया जाता है, दैट इज अगेंस्ट एंड आई एम रियली अगेंस्ट ऑल दोस। करेक्ट। तो आप देखो, मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर देख लिया, बट क्या मैं वो बॉडी मेंटेन कर पाया? नहीं कर पाया। नॉर्मली लोग कर भी लेते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो, बट मेरा काम यह है कि आपको एजुकेट करना उस वे में कि अगर आपका गोल कॉम्पिटिशन खेलना नहीं है, यू डोंट नीड एनाबॉलिक्स, यू डोंट नीड स्टेरॉइड्स, आप नेचुरली भी ये सब अचीव कर सकते हैं। ही इज़ ओनली 30-31, अगर आप यंग हो और तो इट्स इवन मोर पॉसिबल। सो प्लीज़ उस रास्ते जाना मंद करो अगर आपका गोल कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप वो सब लेना चाहते हो, वो पर्सनल चॉइस है, अच्छे कोचेस के पास जाओ, जैसे पाजी ने बोला इनके पास नॉलेज है। प्लीज़ डू नॉट प्ले विद योर हेल्थ, बिकॉज एक बार आपकी हेल्थ खराब हुई ना, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जब आप ऐसी नेचुरल बॉडी देखो ना, आपको एक्नॉलेज करना है, आपको अप्रिशिएट करना है कि हाउ डिड ही डू इट। ये नहीं इसमें फ्लॉ ढूंढ के कि कौन सी साइकिल ली। हमारा वही रिएक्शन होता है ना कि यार क्या लिया होगा इसने, वो इमोजीज इंजेक्शन वाले इमोजीज, ये वो नहीं। अगर कोई फेस वैल्यू पे बोल रहा है आपको कि वो नेचुरल है, तो वो नेचुरल होगा यार,
बिलीव मी, सो रिस्पेक्ट दैट, अप्रिशिएट दैट और बिलीव मी, ये सब पॉसिबल हो जाएगा जब आपको अपने पे कन्विक्शन हो जाएगा कि हाँ मैं भी नेचुरल पॉसिबल कर सकता हूँ. तो ऐसे कई लोगों से आपको मैं मिलाता रहूँगा इन द नेचुरल जर्नीज, मैं एनहांस भी करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट गेम, बट यू विल बी एंटरटेन्ड. और उसके ऊपर एक और बात कि द फिज़िकल अपीयरेंस किसी की अगर आप देखते हो नेचुरल में, और उसका पीछे एक बारी बैकग्राउंड देख लिया करो. अगर उसके पास एक दो साल का ही पीछे बैकग्राउंड है तो उसकी फिजिकल थिननेस हमेशा पतली ही रहेगी, बिकॉज उसके पास मसल मास नहीं है इतना. बट एनी पर्सन जिसके पास 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो एक बड़ा सा थोड़ा सा इससे ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन में आएगा और बड़ा दिखेगा उसमें. सो मेक श्योर एवरीवन, जब भी आप कुछ भी चीज़ ऐसा देख रहे हो उसका बैकग्राउंड प्लीज़ देख लीजिए, और उसके बाद उसको कमेंट करिए और उसको अप्रिशिएट करिए इस चीज़ के ऊपर, ना कि उसको ये बोलना शुरू कर दीजिए कि ये तीला है और ये गरीब है और लेबरर है. टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, डोंट नीड इट यार. तो अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट.